ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ने पूरे इंडिया में बवाल मचा के रखा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी डिमांड में चलता है और काफ़ी लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ता है, जैसे इसकी डिलीवरी कब होगी, परचेज विंडो कब स्टार्ट होगा और भी क्या डिटेल्स इसके आते हैं, ये सब के लिए आपको एक अपडेट वाला वीडियो टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। तो इसके लिए आज मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ, जो कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के नए अपडेट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे भी पता है कि आपके पास समय का काफ़ी इशू है, काफ़ी कम समय रहता है आपके पास, तो हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई बकवास किए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो चलिए हम जल्दी से जान लेते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के साइट से कौन सा नया अपडेट आया हुआ है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, ये जो अपडेट है ये परचेज विंडो ओपन से रिलेटेड अपडेट है, मतलब जो परचेज है वो ओपन होने वाली है, वो परचेज खुलने वाली है। तो ये किन के लिए बेनिफिट होने वाला है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, जिन्होंने 499 रुपये से बुकिंग किया था और जब लास्ट टाइम जब परचेज विंडो स्टार्ट हुआ था और उन्होंने जो 20,000 रुपये का फर्स्ट जो एडवांस पेमेंट होता है वो कंपनी के पास आपने दिया हुआ है, मतलब जब ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है, तो जिन्होंने फर्स्ट पेमेंट कर दिया 20,000 रुपए, उनके लिए अपडेट होने वाला है। उनके लिए ये अपडेट आया है कि 21 जनवरी शाम 6 बजे से ओला ऐप से फाइनल पेमेंट का विंडो ओपन होगा, वहां से आप फाइनल पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको बाइक डिलीवरी होगी। इसमें भी कुछ बीच का रह जाता है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन। तो ये अपडेट यही है कि 21 जनवरी शाम 6 बजे से 21 जनवरी शाम 6 बजे से ओला ऐप पे जो परचेज विंडो है वो लाइव हो जाएगा, वो खुल जाएगा। तो जिन्होंने 20,000 रुपये का एडवांस पेमेंट किया हुआ है ओला इलेक्ट्रिक को, वो लोग परचेज कर सकते हैं फाइनल पेमेंट वगैरह दे के ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फाइनल पेमेंट देने से पहले आपको वहाँ पे सारा डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, EMI वगैरह सारा कुछ वहाँ पे आपको शो हो जाता है, रोड टैक्स वगैरह सारा कुछ वहाँ पे शो हो जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये अपडेट यही था, जिन्होंने 20,000 रुपये का पेमेंट कर दिया है उनके लिए अपडेट होने वाला है। और जिन्होंने अब सिर्फ बात करें जो 499 रुपये जिन्होंने दिया हुआ था और फाइनल पेमेंट जो 20,000 रुपये का एडवांस पेमेंट है वो अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप लोग 21 जनवरी शाम 6 बजे को परचेज नहीं कर पाएंगे। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। ये सिर्फ परचेज विंडो उनके लिए स्टार्ट हो रहा जिन्होंने 20,000 रुपये का एडवांस पेमेंट कर दिया है लास्ट टाइम जब परचेज विंडो स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे बात करें तो जो अभी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो हर दिन पर डे 1,000 स्कूटर बना रही है, मतलब एक दिन पे वो लोग 1,000 स्कूटर को तैयार कर रहे हैं। तो ये अपडेट अभी फ़िलहाल आपके लिए बेनिफिट वाला था जिन्होंने एडवांस पेमेंट किया हुआ है 20,000 रुपये ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर की तरफ से। जिन्होंने सिर्फ 499 रुपये से बुकिंग किया है उनके लिए ये अभी परचेज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए आपको वेट करना होगा। आई थिंक वो फरवरी में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि 21 जनवरी को तो यही अभी स्टार्ट कर रहे हैं जिन्होंने एडवांस पेमेंट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हम बात करें इसके डिलीवरी को लेकर, तो कंपनी बता रही है कि जनवरी एंड से फरवरी तक जिन्होंने अभी फाइनल पेमेंट करेंगे जितने लोग भी उनको डिलीवर कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे अगर बात करें तो ओला अभी तक मतलब अपने वादे पर पक्का नहीं हो पाई है, उनको काफ़ी बार डिले करना पड़ जाता है, कभी परचेज विंडो डिले करना पड़ जाता है, कभी डिलीवरी में उनको डिले हो जाता है, कभी कुछ चिप सेट का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए डिले हो जाता है। मिडिल क्लास आदमी नहीं, चूतिया होता है, चूतिया। तो मतलब अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, अभी देखना ये होगा कि ये तो बता रहे हैं कि परचेज विंडो हम स्टार्ट करें और जनवरी और फरवरी के एंड तक आपको जितने लोग बुकिंग करेंगे परचेज करेंगे उनको बाइक डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये आगे देखने की बात है क्या कुछ होता है, बट यहाँ पे यही अपडेट है कि ओला इलेक्ट्रिक का परचेज विंडो स्टार्ट हो रहा है और वो हर दिन 1,000 अपनी व्हीकल को तैयार कर रहे हैं। अब बात करें और जिनको भी और भी इंटरेस्ट है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा फीचर्स देखने को मिल जाता है, बट अब जो है सिंपल वन की इलेक्ट्रिक स्कूटर के साइड से निकल के न्यूज़ आ रहा है, अपडेट आने लगा है, तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को टक्कर देने वाला सिंपल वन, सिंपल एनर्जी का सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में आ रहा है। तो सिंपल वन वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर और रिवोल्ट वाले इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ नया अपडेट आया हुआ है। तो इस वीडियो को करते हैं फिलहाल यहीं पर एंड और मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।